हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अपनी राइड का चौथा दिन है और कल रात हम पहुँच गए थे कानपुर नगर में। और कल रात हमने अपना टेंट लगा लिया था और बहुत बड़ा कांड होते होते बच गया था मेरे साथ। और लेट हो गई थी, रात के 11 बज गए थे। तो हमने सोचा कि टेंट लगा के रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ रूम मिलते तो महंगे मिलते हैं और हम सब अभी कर रहे हैं बजट ट्रैवल, तो उस चक्कर से हमने अपना टेंट लगा लिया था। और इतना ठंडा भी नहीं है जितना हमारे पहाड़ों में ठंडा होता है, उतना ठंडा यहाँ है नहीं, तो हमने सोचा टेंट ही सही रहेगा। आराम से नींद आ गई थी, सब कुछ सही था। फिलहाल अभी मैं उठ गया हूँ, बाकी सब तो सोए हुए। सुबह के बजे 9 और भाई हालत नहीं है कि राइड कर सके क्योंकि बाहर देखो मौसम कितना कोहरा वाला है, अभी भी कोहरा ही है। कल रात इतनी गंदी विजिबिलिटी थी कि बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। 2-3 बार साथ वालों का एक्सीडेंट होते होते बचा, मतलब ठुकते ठुकते बचे हैं ट्रक के पीछे से। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका था। फिलहाल क्या है, अभी मैं फ्रेश वगैरह होता हूँ, नहाना धोना करता हूँ, कुछ करता हूँ, नहाना नहीं भी होगा, फ्रेश वगैरह होता हूँ और एक चाय पीते अपना फ़ोन चार्ज लगाता हूँ, फिर वीडियो एडिट करता हूँ क्योंकि कल वाला व्लॉग मैंने एडिट नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर प्लान करते हैं आगे होना क्या है आज का। और यहाँ से लगभग लखनऊ है आपका 89-86 किलोमीटर के आसपास का लखनऊ बचा हुआ है, और 135 वहाँ से लखनऊ से आपका अयोध्या है। तो आज हम अयोध्या पहुँच जाएंगे, जहाँ तक कि शाम के 4-5 बजे तक अयोध्या आराम से पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे जाते हैं क्योंकि रोहित का एक काम है, विक्की का एक काम है लखनऊ में, वो काम करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा भी होगा चैनल पे बने रहिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी हम नए व्लॉग पे क्या क्या दिखाने वाले हैं आपको। तो भैया फ्रेश वगैरह हो गया हूँ मैं और मुँह हाथ धो लिया, कंघी वगैरह कर ली। हमने जो टेंट लगाया था ना वो वहाँ पर लगाया था, अभी मैं आपको जाके दिखाऊँगा। और यहीं पर कैंटीन थी बगल पर, और पास में ही हमने अपनी बाइक यहीं पे खड़ी कर रखी थी। अब हुआ क्या, कल रात जब हम एक्सप्रेसवे में थे तो यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी रुक गई और गियर लगा रहा था, गियर लग नहीं रही थी। मैंने लगा यार ये क्या हो गया अचानक, और मेन हाईवे में एक्सप्रेसवे में ऐसे अचानक कुछ होना, मतलब वो गया, डर सा था। गियर लगा रहा हूँ, गियर लग नहीं रही है। फिर देखा जो हमारी चेन थी ना, ये चेन देख लो कितनी धीरे है, इतनी धीरे ये निकल गई थी। और फिर उसके बाद गाड़ी कम से कम मैंने आपका 60 किलोमीटर तक तीसरे गियर में धीरे 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 करके लेके आया, और उसके बाद फिर यहाँ रुके, रात में यहीं रुके क्योंकि देर ज़्यादा हो गई थी, 11 बज गए थे हमको। और 11 बजे के बाद फिर और आगे ट्रेवल करते तो ट्रेवल हो जाता। ट्रेवल कैसा, अगर हमको रूम अगर हम लेने जाते तो रूम भी हमको मिलता, कम से कम नहीं भी मिलता, 4-5 हज़ार से नीचे का रूम नहीं मिलता लखनऊ के अंदर। और लेट भी ज़्यादा हो गई थी, 11 बज गए थे और कोहरा इतना ज़्यादा था कि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, 50 मीटर की विजिबिलिटी नहीं थी, और बड़े धीरे धीरे आ रहे थे। इस चक्कर से हमने सोचा कि चलो यहीं पे रुक जाते हैं, और यहीं पे रुकने का तो कुछ नहीं था, हमने अपना टेंट लेके आए थे। 3 बंदे एक टेंट पर, 2 बंदे एक टेंट पर सो गए थे। अब क्या प्लान है, यहाँ से अभी हम अपना सामान वगैरह पैक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम अपना लखनऊ, और लखनऊ में 2-3 छोटे मोटे काम निपटाने, रोहित को और विक्की को वो निपटा के फिर हम जाएंगे अयोध्या। तो आज हम अयोध्या पहुँच जाएंगे और फिर कल हम आपको कराएंगे दर्शन अयोध्या के। तो मेरे चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखना, और अच्छा लगे ना तो भाई शेयर करना और कमेंट भी करना। जय श्री राम का। भैया अपना टेंट वगैरह यहाँ लगाया था, भाई ने खोल के रख दिया, और एक टेंट ये लगा है, इसमें 3 लोग सोए थे, इसमें सोए थे 2 लोग। आ जाओ, अच्छा पैक ही कर रहे हो? हाँ चार चल लिया, ला दो। अभी ना हम खाना खाते थे, हमारा खाना पीना हो गया है, मतलब ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे आए थे मिलने के लिए, क्या नाम है आपका? आरव। और आपका नाम क्या है? सार्थ। पूरा क्या लिखते हो नाम? सार्थ सोनी। सार्थ सोनी, सुना रहे हैं छोटे नए नए सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियो देखोगे ना पूरी मेरी, आप वीडियो में आ गए हो, ठीक है। और आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो? आप लखनऊ जा रहे हो? चलो फिर साथ में गाड़ी में बैठ के चलते हैं, चलोगे? तो चलो फिर, अभी हमारा प्लान ऐसा है, अभी हमने खाना पीना कर लिया है, उसके बाद अब यहाँ से हम निकलेंगे लखनऊ के लिए, और लखनऊ के बाद फिर अयोध्या हम ले लेंगे बाईपास। तो चैनल बने रहिए और आगे आगे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाय बाय बोल दो। बाय बाय। नोमैडिक तुषार को सब्सक्राइब कर लो, बोलो नोमैडिक तुषार को, तुषार जोर से बोलो, जोर से नोमैडिक तुषार को सब्सक्राइब करो, बोलो इतना जीरो। चलो नोमैडिक तुषार को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
तो भैया एक शॉप मिल गई, वर्कशॉप मिल गया, ट्रक वाला वर्कशॉप है, गाड़ियों का वर्कशॉप है। तो यहाँ भी अपनी बाइक लेके आ गया हूँ और ये पाना है, अभी इसी से खोल के खुद ये चेन टाइट करते हैं। चलाना भी काम चलाने के तो हो गया है एक्चुअली, इसकी ना चेन है बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गई है, ये देखोगे तो एकदम लूज है और एकदम लास्ट में है। और अब यह है कि लखनऊ पहुंच जाएंगे, तो लखनऊ पहुंच जाए इसको एक पत्ती कटवा के फिर इसका काम चलाने के लिए हो जाएगा। ज़रा अभी यहाँ से चलते हैं, साथ वाले वेट कर रहे होंगे। तो भैया अब सब चल रहे हैं यहाँ से फाइनली 1 बजे, और अब पता नहीं क्या होता है, दिक्कत सबकी गाड़ी में, तेरी गाड़ी में दिक्कत हो रही है? मेरी गाड़ी में मतलब इंजन खराब हो गया, इसका धुआं निकल रहा है ना, धुआं दे रही है इसकी गाड़ी, धुआं निकल रही है। तेरी गाड़ी में क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई नहीं हो जाएगी आ जाएगी, आ जाएगी दिक्कत, बाकी तो उसकी नई गाड़ी है शायद, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत दे ही देंगे हम किसके साथ आए हैं। तो भाई अभी उसकी गाड़ी, रोहित की गाड़ी भी स्टार्ट कर दी है काम चलाने के लिए। फिलहाल अब निकलते हैं यहाँ से आगे अपने मंजिल की तरफ, हमारा यानी लखनऊ की तरफ। तो मैं ना अभी आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में हूँ, और लगभग अपने जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ से 20 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, 20-30 किलोमीटर आगे आ जाऊँगा। तो आगे ना मुझे देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये प्लेन एकदम पूरा प्लेन एरिया है, बीच नेशनल हाईवे में बीच में डिवाइडर लगा रखे हैं, ठीक है। अभी तक जब हम आ रहे थे तो बीच में हाईवे में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइडर थे और फेंसिंग थी, बीच में डिवाइडर लगे हुए थे परमानेंट वाले, और यहाँ पे फेंसिंग थी, मतलब ये लाइन पे पूरी फेंसिंग वगैरह चल रही थी जो आगे जाके शिफ्ट हो गई है वहाँ पे, और सेम वैसा ही वहाँ पर है। ये किस लिए हुआ पता है आपको? ये एक्चुअली आपने सुना होगा कि कुछ बीच पहले एक बार, अभी 1-2 साल पहले, ये हाईवे में प्लेन उतारा गया था, तो वो चीज़ ना यही एरिया में करा गया था। ये जो देख रहे हो आप, ये वाला हाईवे जो बनाया गया है, इसको एक्चुअली डिफेंस के लिए भी यूज़ करने के लिए बनाया, कि बाई चांस एमरजेंसी में अगर हमको अपने जो एयरफोर्स के जो प्लेन है वो उतारने पड़ सकते हैं, तो इन फ्यूचर के लिए इसका निर्माण किया है, इसको बनाया गया है। और ये जब हट जाएगा ना, इसको हटा देंगे, जैसे डिवाइडर हटा देंगे तो ये पूरा एक रनवे के रूप में बन जाएगा। तो ये चीज़ अभी मैं जब जा रहा था तो मैं नोटिस करा अचानक से कि यार ये प्लेन एरिया क्यों है, बाकी तो सब जगह ऐसा था। तो ये इसलिए बनाया ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई लड़ाई होती है, कुछ भी होती है, तो यहाँ हमारे मिलिट्री के, आर्मी के, एयरफोर्स के फाइटर प्लेन और क्या कहते हैं एयरफोर्स के प्लेन उतरने के लिए यूज़ करा जाएगा इसको। तो भैया अपना टोल हो गया, टोल देना यहाँ भाई, अयोध्या वाला है ना टोल, उसमें टोल नहीं है, कोई नहीं है क्या? फाइनली हम पहुँच गए अभी लखनऊ, और लखनऊ में ना पहुँचते पहुँचते मतलब बहुत बड़ा फिर से एक और कांड हो गया। जो हमारा दोस्त है जट, तो उसकी गाड़ी में दिक्कत आ गई थी, तो जैसे जैसे अभी पहुँचे हैं लखनऊ, और लखनऊ के आउटर में अभी यहाँ इसकी गाड़ी में काम करवा रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे अयोध्या के लिए। तो फिलहाल मैं और घुमक्कड़ यहाँ से निकल रहे हैं चारबाग लालबाग की तरफ, वहाँ से कुछ सामान लेके आना है, बाइक का, रोहित का, मेरा, अभी चलते हैं, उसके बाद आज रात हमने अयोध्या जैसे जैसे पहुँचना ही है। तो भैया आज का दिन जो था, आज का दिन हमारा पूरा लखनऊ में बीत गया, क्योंकि हम शाम के 5 बजे के आसपास लखनऊ पहुँच गए थे, और 5 बजे लखनऊ पहुँचने के बाद हमको 2-3 काम कराना पड़ गया। 5 बजे हम कितने बजे, 5 बजे से पहले पहुँच गए थे शायद, 3 या 4 बजे के आसपास लखनऊ पहुँच गए थे। उसके बाद फिर हमें पहले जट की गाड़ी पे क्या कहते हैं थोड़ा काम कराना था, तो इसकी गाड़ी में जट काम कराया, और उसके बाद फिर उसके बाद हम चले गए थे मार्केट पे, और लाल बाग के आसपास हम चले गए थे, लाल बाग में अपना काम वगैरह कराया। उसके बाद फिर आए, 2-3 घंटे हमको लाल बाग में लग गया था, लाल बाग में जाने के बाद फिर यहाँ आए, फिर लेट ज़्यादा हो रहा था, कोहरा ज़्यादा हो रहा था, तो हमने सोचा कि रूम लखनऊ में लेते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने लखनऊ में रूम ले लिया, और अभी स्टे कर रहे हैं लखनऊ के अंदर। कल सुबह हम निकलेंगे लखनऊ से आपका अयोध्या के लिए। तो आपने मेरा ये व्लॉग यहाँ से देख लिया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब हो जाएगा। रूम इस तरीके का है, वैसे तो सिंपल सा ही है, बजट में रूम मिला था 1100 के 1200 के आसपास रूम मिल गया था, तो हमने रूम ले लिया था। तो इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, आपने मेरा ये व्लॉग अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब हो जाएगा, और कल वाले व्लॉग में आपको हम दर्शन कराई देंगे अयोध्या के। तो प्रभु का नाम लेके जय श्री राम, मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।